online classes of Shivaji Group of Institutions. Today's my lecture is related for the chapter Peasants and Farmers. This is a history chapter of class 9 English medium. In my previous video, I had already explained you this chapter by small cottages of England. Us chapter mein humne England ke small cottages ke bare mein padha tha ki kis tarike se wahan ke jo cottagers the unhone किस तरह से एग्रीकल्चर वो करते थे और किस तरह से हमने फिर देखिए कैप्टन स्विंग के बारे में पढ़ा जो कि एक मैथिक में जो है वो नेम था. किस तरह से लोग जो है वो कैप्टन स्विंग के नाम पर थ्रेटनिंग लेटर्स के बारे में हमने पढ़ा. वहाँ के जो भी लैंडलॉर्ड्स और जमींदार थे किस तरह से वो जो है उन लोगों को वहाँ के जो फार्मर्स थे उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन्हें परेशान करते थे और उसके बदले में किस तरह से कैप्टन स्विंग के नाम से उनको जो स्मॉल और पुअर फार्मर्स थे वो एक थ्रेटनिंग लेटर्स लिखकर उनको डराते थे ताकि जो उनकी थ्रेशिंग मशीन्स हैं या जो भी उनके न्यू इक्विपमेंट्स थे एग्रीकल्चर के वो उससे एग्रीकल्चर ना करके उन्हें एज ए लेबर या उन्हें अपनी लैंड्स भी दें. इसके साथ हमने पढ़ा था किस तरीके से कुछ लैंड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी और कुछ लैंड्स को कॉमन लैंड के रूप में छोड़ दिया जाता था और उस पर पुअर फार्मर्स जो है वो फार्मिंग कर सकते थे. तो ये हमने पढ़ा था इंग्लैंड के बारे में. फिर हमने पढ़ा कि व्हाट आर द इफेक्ट्स की क्या इफेक्ट हुए इससे इंग्लैंड के एग्रीकल्चर पर. एंड नाउ आज हम जो पढ़ेंगे आज हमारा टॉपिक है द वीट फार्मर्स ऑफ यूएसए एंड द ओपियम प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल. हम दोनों चीजें आज करके चैप्टर को फिनिश करेंगे. द फर्स्ट टॉपिक द वीट फार्मर्स ऑफ यूएसए. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूएसए के वीट फार्मर्स जो थे उनके साथ क्या हुआ. सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी कि जो यूएसए में जो हमने वीट फार्मर्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो हमारा ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का है. जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय क्या था जो हमारा प्रोडक्शन जो पूरे वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन था उस सब पे इफेक्ट पड़ा था क्योंकि उसी के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था तो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था पूरे वर्ल्ड में और जो वो ग्रेट डिप्रेशन था उसमें पूरे ही वर्ल्ड में चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिका हो या वो अफ्रीका हो पूरी तरीके से क्या था डिप्रेशन हो गया था. तो अब हम ये पढ़ेंगे कि उसका हमारे यूएसए के वीट फार्मर्स पे क्या जो है वो इफेक्ट हुआ. सबसे फर्स्टली इन 19th सेंचुरी अर्बन पॉपुलेशन वॉज ग्रोइंग इन यूएसए. 19th सेंचुरी में क्या था जो अर्बन पॉपुलेशन थी मतलब शहरों की वो धीरे धीरे करके ग्रो करती जा रही थी. तो क्या हुआ इससे एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा बिगर होते चले गए क्योंकि अर्बन जैसे ही जो है वो अर्बन पॉपुलेशन ग्रो होने से एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो बिगर हुए. एज अ डिमांड इंक्रीज अब जैसे जैसे अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या हुआ फूड प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ी कि फूड की डिमांड बढ़ी फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी. जब फूड की डिमांड बढ़ती है तो व्हाइट के वीट जो है उसके प्राइसेस क्या हुए वो भी रोज होने स्टार्ट होते क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो चीजें जब कम होती है कोई सप्लाई कम होती है डिमांड ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है प्राइस बढ़ जाता है. सो प्राइस इंक्रीज हो गए एनक्रीजिंग और जब ये जो वीट के जो प्राइसेस थे जब वो रोज हुए तो वो और जो फार्मर्स थे उनको उन्होंने एंकरेज हुए वो कि हम ज्यादा से ज्यादा टू प्रोड्यूस वीट कि हम वीट को प्रोड्यूस करें क्योंकि वीट के इस समय जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा रोज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डिमांडिंग इंक्रीज. फिर ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मार्केट बूम. मैंने बताया कि किस तरीके से जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था जो पूरा मार्केट था वर्ल्ड मार्केट जो था वो बूम्ड हो चुका था. रशियन सप्लाईज ऑफ वीट कट ऑफ जो रशिया से सप्लाई हो रही थी यूरोप में या अमेरिका में वो सब कुछ कट ऑफ हो चुकी थी और यूएसए और जो यूएसए था वो जो है वो यूरोप को फीड करा रहा था. उस समय यूएसए ही था जो कि क्योंकि वहां पे वीट प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था और उसके प्राइसेस भी रोज हो रहे थे तो जो यूरोप था वहां पर पहले रशिया सप्लाई करता था वीट को बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर रशिया की सप्लाई कट ऑफ हो चुकी थी तो यूरोप को भी जो वीट था वो यूएसए ही पहुंचा रहा था. तो अब उसके लिए जब ऐसी सिचुएशन थी तो जो यूएस के प्रेसिडेंट थे विल्सन मिस्टर विल्सन उन्होंने वहां की पब्लिक से बोला कि प्लांट मोर वीट वीट विल विन द वॉर. उन्होंने कहा जितना ज्यादा आप वीट को प्लांट करेंगे हम जो है वो वॉर को जीत जाएंगे मतलब वॉर वीट हमें वॉर जिता देगा. इस तरह से करके उन्होंने लोगों को एनकरेज किया ताकि वो मोर एंड मोर प्रोड्यूस वीट ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वीट को प्रोड्यूस करें. और यही टाइम था जिस समय जो यूएसए था वो बास्केट ऑफ वीट भी कहलाने लगा उसे अनाज का टोकरा भी बोला जाता था यूएसए को.
फिर क्या होगा, कमिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और इसी के साथ साथ इसमें और चीजें जुड़ती गई। न्यू टेक्नोलॉजी आई जिसमें साइरस मैकॉर्मिक ने इन्वेंट किया 1831 में। ये सब न्यू इक्विपमेंट्स थे एग्रीकल्चर के जो और ज्यादा प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे थे यूएसए की। बट उससे कुछ, अब देखिए कोई चीजों से कुछ फायदे होते हैं बट कुछ नुकसान भी होते हैं। बट इससे क्या हो रहा था, जो पुअर फार्मर्स थे, तो फॉर पुअर फार्मर्स जो मशीन थी वो क्या कर रही थी, उनके लिए एक मिजरी लाई थी, ब्रॉड मिजरी। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, इससे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया। जो काम 10 लेबर या 10 फार्मर्स मिलकर करते थे उसको एक मशीन ने कर दिया। एक्सपोर्ट मार्केट कैलॉप्स हो गई, इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट मार्केट कैलॉप्स हुई। क्यों हुई, क्योंकि देयर वॉज अ लार्ज सरप्लस। अब देखिए क्या हुआ, जब यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ने एनकरेज किया प्लांट मोर वीट के लिए, तो लोगों ने बहुत ज्यादा से ज्यादा वीट को प्लांट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि वो उन्होंने जो प्लेन एरिया था, बहुत अच्छे प्लेन एरिया था, उसमें भी उन्होंने जो है वो उसको वीट को एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करा। इससे क्या हुआ, लार्ज सरप्लस। अब क्या हुआ, वीट बहुत ज्यादा हो गया, लार्ज सरप्लस में हो गया। अनसोल्ड स्टॉक्स पाइल जब, जितने भी स्टॉक्स थे अनसोल्ड थे वो पाइल जब हो गए। जो इनके स्टोर हाउस थे वो ओवरलोडेड ओवरफ्लोड हो गए, क्योंकि इतना ज्यादा गेहूं, इतना ज्यादा अनाज हो गया था कि उनको संभाल के रखना मुश्किल हो रहा था। और यहाँ तक कि यूएसए में जो था वो एनिमल्स को जो है वो भी खिलाया जाने लगा, क्योंकि वो खराब होने लगा था। तो इतना ज्यादा लार्ज सरप्लस हो गया था एक्सपोर्ट मार्केट। इससे क्या हुआ, अब प्राइसेस डाउन हो गए, जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो कैलाप्स हुआ। और इट क्रिएटेड, इसने क्या क्रिएट किया, द ग्रेट एग्रेरियन डिप्रेशन। और इससे भी एक ग्रेट एग्रेरियन डिप्रेशन हुआ 1930s में यूएसए में। दिस द एक्सपेंशन ऑफ वीट एग्रीकल्चर। अब जो ये वीट का एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन था जो कि इतना ज्यादा था, उसने एक बहुत बड़े और भी निगेटिव जो है वो पॉइंट को किया, वो निगेटिव पॉइंट था डस्ट बोल। ये देखिए डस्ट बोल मैंने लिखा है। तो डस्ट बोल क्या था कि जो एग्रीकल्चर हो रहा था वीट एग्रीकल्चर, और वो जो प्लेन एरिया में हो रहा था, उसने एनवायरमेंट के साथ में इतना ज्यादा उसको डिसबैलेंस कर दिया, जिसकी वजह से डस्ट जो कि एक बास्केट ऑफ बोल था या वीट ऑफ बोल था, जिसको हम लोग वीट ऑफ बोल कहते थे, वो एट लास्ट में जाके डस्ट बोल में बन गया। क्योंकि इतना ज्यादा रेत, इतना ज्यादा जो है वो आंधी और इतने मतलब एनवायरमेंट के साथ में छेड़छाड़ की वजह से, जो उस समय का जो उसका वेस्ट और ईस्ट पोर्शन था यूएसए का, वो पूरा डस्ट से भर गया और ये डस्ट बोल भी हो गया। तो जो उसकी स्टोरी है वो बोल ऑफ वीट से लेके डस्ट बोल तक की है। तो ये हमारा था वीट फार्मर्स ऑफ यूएसए। एंड नाउ द ओपियम प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल। बंगाल के ओपियम प्रोड्यूसर के बारे में छोटी सी स्टोरी से फटाफट से समझेंगे। देखिए ये इंडिया की बात है, जब इंडिया में हमारा जो है वो इंडिया कॉलोनियल पीरियड कब चला, जब जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया है। जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, उन्होंने सबसे पहले वेस्ट बंगाल से एंट्री करी थी। जब वो वेस्ट बंगाल से एंट्री उन्होंने करी और उन्होंने वेस्ट बंगाल को कॉन्कर कर लिया था, मतलब जीत लिया, और जब वो वहां पर जो है वो अपना ट्रेड स्टार्ट कर लिया थे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, ओपियम को ग्रो करना स्टार्ट किया था। तो जो ओपियम था, वेयर डिड ओपियम कम फ्रॉम, तो वो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने ओपियम इंडिया में लाए थे और उन्होंने उसकी जो है वो फार्मिंग करनी स्टार्ट करी थी। इसके पहले तक जो ओपियम होता था वो सिर्फ मेडिसिन के लिए यूज होता था, बट ऐसे उसका ज्यादा यूज नहीं था। बट जो है ब्रिटिशर्स जो है वो उन्होंने सबसे पहले वेस्ट बंगाल से ओपियम को ग्रो करना स्टार्ट किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा जो फील्ड्स थे वहां पर ओपियम किया, सॉरी ओपियम को ग्रो किया, बिकॉज ओपियम जो था वो एक्सपोर्टर था बहुत अच्छा। और उससे क्या होते थे, बहुत उसकी जो बाहर और ज्यादा वर्ल्ड में जो मार्केट में जो था वो ओपियम की डिमांड बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने ओपियम को जो है वो ग्रो करना स्टार्ट किया था। बट यहाँ पर जो फार्मर्स थे उनके लिए ओपियम को या ओपियम की फार्मिंग करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। क्यों, उसके भी बहुत सारे रीजन थे। द फर्स्ट रीजन वाज दैट कि जो है वो उसकी जो रूट्स होती थी ओपियम की, वो इतनी ज्यादा गहरी तक जाती थी,
कि उसके बाद वो पूरी फील्ड को क्या कर देती थी, बेकार कर देती थी। उसके बाद से उस फील्ड में व्हीट या राइस को ग्रो नहीं किया जा सकता था। तो जो भी पुअर फार्मर थे वो अफीम की फार्मिंग के बाद से, सॉरी ओपियम की फार्मिंग के बाद फिर से व्हीट और राइस नहीं ग्रो कर सकते थे, जो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि जो भी फार्मर्स ओपियम प्रोड्यूस कर रहे थे या ओपियम ग्रो कर रहे थे, वो ओपियम प्रोड्यूसर्स को काफी सब मनी दे रहे थे ताकि वो उसके लिए जो है वो एक अच्छी फील्ड को रेडी कर सके। तो इसका भी नुकसान पुअर फार्मर्स को हो रहा था क्योंकि वो उस पैसे को नहीं ले पा रहे थे। तो दैट इज द वेरी एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स फेस बाय द ओपियम फार्मर्स ऑफ द बंगाल, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। और इसके साथ साथ उन्होंने फिर और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने और भी बहुत सारे टैक्सेस और भी बहुत सारे लगान इस तरह के लगाए हुए थे, जिसकी वजह से ओपियम प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो ये था, ये मतलब कंडीशन थी ओपियम प्रोड्यूसर्स की। और जो भी ब्रिटिशर्स ओपियम प्रोड्यूसर्स लेबर्स या जो भी उस समय पे जो जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन सबके बीच में ये जो कन्फ्लिक्ट था, ये जो हमने अभी आपको बताया कि कन्फ्लिक्ट था कि वो चाहती जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि ओपियम जो है वो प्रोड्यूस हो, बट जो यहाँ के इंडियन फार्मर्स थे वो ऐसा करने में कैपेबल नहीं हो रहे थे। तो इससे काफी कन्फ्लिक्ट आते थे, जिसके लिए जो ब्रिटिशर्स थे वो एजेंट्स को भी रखते थे उनकी हेल्प के लिए, ताकि एजेंट्स जो है वो पैसे देकर उनसे जबरदस्ती ओपियम जो है प्रोड्यूस करवाए। तो इस तरह के जो कन्फ्लिक्ट थे वो एज लॉन्ग एज बहुत ईयर्स तक चलते रहे। और जब तक हमारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तब तक इन प्रॉब्लम्स को इंडिया के फार्मर्स ने ओपियम प्रोड्यूसर्स ने बराबर फेस करा। तो आज हमने देखा कि इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के फार्मर अलग अलग सिचुएशन अलग अलग कंडीशन अलग अलग सोसाइटीज और अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। किसी के पास किसी तरह की प्रॉब्लम्स थी और किस तरह की प्रॉब्लम दूसरों के पास थी। ऐसे हमने देखा कि इंग्लैंड में जो है फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम थी। फिर हमने यूएसए में देखा बहुत ज्यादा व्हीट होने की वजह से व्हीट एक्सपेंशन से भी प्रॉब्लम्स आई। और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से बंगाल में ओपियम प्रोड्यूसर्स को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ब्रिटिशर्स की वजह से और कॉलोनियल पीरियड होने की वजह से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो फिनिश्ड। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।